सभी का इंडिया टीवी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। आज हम आपको एक अनोखी होली के बारे में बताएंगे। आपने मथुरा की लठमार होली, लड्डू होली, फूल होली और रंग भरी होली तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने शमशान में चिताओं के बीच खेली जाने वाली होली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। ये है भगवान शिव की नगरी वाराणसी, जहां आज भी शमशान घाट पर होली खेलने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि काशी का ये घाट कभी सूना नहीं रहता, एक न एक चिता यहाँ जलती रहती है। होली का त्योहार हो और ब्रज की होली का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रज की होली अगर राधा और कृष्ण से जुड़ी है तो ये होली भगवान शिव और पार्वती से। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। ब्रज की होली की शुरुआत वसंत पंचमी से हो जाती है और काशी में भस्म होली की शुरुआत शिवरात्रि से होने लगती है। ब्रज की होली अगर कान्हा गोपियों के साथ खेलते हैं तो वहीं भस्म होली भोलेनाथ अपने भक्तों, भूत, पिशाच और सर्प के साथ खेलते हैं। ये होली ब्रज की होली से जरा हटकर है। ब्रज की होली में लड्डू, गुलाल और रंगों का इस्तेमाल होता है, पर इस भस्म होली में भक्त चिता की राख से होली खेलते हैं। अब आइए जानते हैं मान्यता क्या है। पुराणों में कहा गया है कि शिवरात्रि को भगवान महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था और उसके बाद पड़ने वाली पहली एकादशी को उनका गौना। इस दिन शिव अपने ससुराल आते हैं और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस आते हैं, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव देवी देवताओं के साथ होली खेलते हैं और अगले द्वादशी के दिन वो मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने जाते हैं। उसके बाद वो अपने प्रिय भूत, पिशाच, सर्प के साथ भस्म होली खेलते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आज भी शिव शंभु होली खेलने आते हैं। इस दौरान भी चिताएं जलती रहती हैं और चारों दिशाओं से हर हर महादेव के नारे सुनाई देते हैं। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल की जगह भस्म लगाते हैं। प्रसाद के रूप में शिव शंकर को भांग और ठंडई का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा के बाद भोले शंकर अपने भक्तों को होली खेलने की इजाजत देते हैं और उसके बाद पूरा शहर चार दिनों तक होली के महोत्सव में डूब जाता है। तो थी ना ये हटके होली, जिसके बारे में शायद ही आपको पता था। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंडिया टीवी।